हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केटो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है अपनी क्लास 12th का सेकंड वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में और हमने डिस्कस कर लिया था डेल्टा जी का रिलेशनशिप विद नर्स्ट इक्वेशन और ई नॉट वैल्यू जो है वो किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही में हमने डिस्कस कर लिया था कि आपके कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। जिस किसी ने भी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को देखिए। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज कोलरॉश लॉ। सो कोलरॉश जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है वो हमारी प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने एक लॉ डिस्कस किया था जिसमें हमने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप डिसोसिएशन देखते हैं विद कॉन्सेंट्रेशन तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। वही हमने देखा था एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक कर्व आता है। प्लस फिर हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर जाती है जीरो की तरफ, तो आपके पास फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ जो है वो एक्सट्रापोलेट कर इट विल नेवर टच योर वाई एक्सिस। जबकि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें विच इज द स्ट्रेट लाइन, तो ये डेफिनेटली आपके वाई एक्सिस पे टच कर जाएगा। और इसी पॉइंट को हम डिफाइन कर रहे थे लैम्डा एम नॉट, विच वॉज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब आज की वीडियो या आज का टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड इसीलिए है क्योंकि हम इसी माइग्रेशन, यानी जब हमारे पास लैम्डा एम नॉट तक हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन को ले गए हैं, तो उस दौरान हमारा माइग्रेशन ऑफ आयंस जो है वो कैसे डिपेंड करता है, यही हमें आज की वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। सो कोलरॉश डिस्कस्ड अबाउट द माइग्रेशन ऑफ आयंस, द लॉ वाज गिवन इन 1874, जो कि हमें ये दिखाता है कि एक किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोलाइट का माइग्रेशन ऑफ आयंस जो है वो कैसा रहेगा जब हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल डाटा को स्टडी करें, जिसमें हमने ये कहा है कि हमारे पास NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, NaBr और KBr, ये छह तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेयर, सो हम NaCl और KCl को एक पेयर काउंट कर रहे हैं, NaNO3 और KNO3 को दूसरा पेयर काउंट कर रहे हैं और NaBr और KBr को तीसरा पेयर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि अलग अलग सॉल्ट के लिए कंडक्टिविटी जो है वो मेजर की गई अलग अलग टेम्परेचर्स पर। जैसे कि NaCl के लिए मेजर किया गया एंड इट वाज फाउंड टू बी 108.90, वहीं पे KCl के लिए अगर देखा तो वो आया 130.10। यानी कि जब आप कैटायन को चेंज कर देते हैं फ्रॉम पोटेशियम टू सोडियम, तो जाहिर सी बात है मोलर कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही है, लेकिन अब इनके डिफरेंस को मेजर किया गया विच वॉज अराउंड 21.20। वहीं पे एक दूसरे तरीके का इलेक्ट्रोलाइट लिया गया जिसमें हमारे पास जो एनायन है दैट इज चेंजिंग और वो हमने नाइट्रेट ले लिया। सेम चीज करी हमने, उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिफरेंस है वो भी 21.17 है। उसी तरीके से दूसरा एनायन ले लिया हमने Br, जिसमें की मोलर कंडक्टिविटी मेजर की गई और उसमें भी मोलर कंडक्टिविटी आई 21.2। सो डिफरेंस अगर आप देखेंगे इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायन, वो अप्रोक्सीमेटली एक बराबर ही आ रहा है एंड विच इज अराउंड 21। यानी कि अगर आप अनायन चेंज कर देंगे तब भी आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर कोई भी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट डिफरेंस जो है दैट वॉज ऑब्जर्व। कॉन्स्टेंट डिफरेंस का मतलब है कि अगर आपने Na से पोटेशियम आयन चेंज कर दिया तो डिफरेंस आ रहा था एक कंडक्टिविटी में 21.20, वहीं अगर आपने Na का चेंज कर दिया है पोटेशियम के साथ तो भी डिफरेंस वही आ रहा है व्हेन यू कंसीडरिंग नाइट्रेट एज द आयन। सो ये पता चला कि जो भी डिफरेंस इन कंडक्टिविटी है वो एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ऑन चेंजिंग द अनायन। जब अनायन चेंज कर दिया गया तब भी मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये मेजरमेंट किया गया है तब अनायन का देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन। हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गया है, तो ये कहा गया कि मोबिलिटी ऑफ सोडियम जो है और पोटेशियम जो है उसके काउंटर आयंस का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, विच रेफर्स टू दैट मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम एज वेल एज सोडियम
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स काउंटर अनायन और आयन. आपने अनायन चेंज कर दिया फ्रॉम क्लोरीन टू नाइट्राइड एंड देन फ्रॉम नाइट्राइड टू ब्रोमीन, बट स्टिल द डिफरेंस जो कंडक्टिविटी के अंदर आ रहा है वो आ रहा है आपका लगभग सेम. यानी कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें या किसी भी टेम्परेचर की बात करें, कंडक्टिविटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी ऑफ द काउंटर आयन और द काउंटर अनायन दैट इज प्रेजेंट. यानी कि इन्फेनाइट डाइल्यूशन पर देर इज नो इफेक्ट ऑफ द अनायन. और कितना भी आप लो कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए वो इंडिपेंडेंट रहेगा आपके काउंटर आयन से. यानी कॉन्सेंट्रेशन के वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट रहेगा. और इसी के बेसिस पे कोलरॉस ने अपना लॉ की स्टेटमेंट दे दी और उसने ये कहा कि अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट की या किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है चाहे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर उसके काउंटर आयन्स का सम कर दूंगी तो मुझे डेफिनेटली उसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. यानी कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट लेट अस से NaCl, तो मैं जो भी मोलर कंडक्टिविटी रहेगी Na आयन की उसको सम कर दूंगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन से, तो मुझे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट NaCl की मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. सो दिस इज वॉट कोलरॉस स्टेटेड दैट इफ यू नीड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी जो भी उसके रिस्पेक्टिव आयन है उनको आप मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दीजिए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज लैम्डा. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा नॉट पॉजिटिव फॉर द केटायन और उसको आप एड अप कर देंगे विद द कंडक्टिविटी ऑफ द अनायन, जिससे आपको मिल जाएगा लैम्डा नॉट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो ये हर तरीके की इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हर तरीके के सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल रहता है. चाहे हम वीक लें, चाहे हम स्ट्रॉन्ग लें, चाहे हम काउंटर अनायन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर लें, हमेशा अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो जो भी आपके पास ये पर्टिकुलर केटायन और ये पर्टिकुलर अनायन होगा उसका ही आप सम कर देंगे. तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाती है कोलरॉस लॉ की, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन. जैसे कि NaCl के केस में Na प्लस और Cl माइनस था, उसी तरीके से ये जो लॉ है ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. सेम इज द कंडीशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी. अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो जितने भी उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयन्स होंगे उन सब आयन्स का अगर हम सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी. सो ये था कोलरॉस का लॉ, जिसकी ये स्टेटमेंट है आपके पास, विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन्स विद दैट ऑफ द सॉल्ट, स्टेटमेंट ऑफ कोलरॉस लॉ. ठीक है, तो ये आप किसी भी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी भी रिप्रेजेंट करें तो उसमें, नहीं तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों ही तरीके से ही आपको सही आंसर. तो ये जो हमने स्टडी किया था ये उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा था, जो ये देखा गया था कि अगर आप आयन्स को बदल देते हैं तब भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है उसकी कंडक्टिविटी में. यानी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक पहुंचते हुए ऑफ द काउंटर आयन. ठीक है, नाउ लेट अस फॉरवर्ड मूव टुवर्ड्स की मोलर कंडक्टिविटी जो कोलरॉस लॉ है हमें किस तरीके से हेल्प करता है. यानी द नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस इज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ. तो सबसे पहली चीज कि हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो हमने ये चीज कही थी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अंडर रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी का, तो हम ये देखते हैं कि वी हैव अ कर्व लाइक दिस विच रिप्रेजेंट्स कि अगर हम इन्फेनाइट डाइल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, यानी जब हम अप्रोच कर रहे हैं सी को जीरो की तरफ, तब लैम्डा नॉट जो है या लैम्डा एम जो है वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है. नॉट डिफाइंड का मतलब है कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ वो अप्रोच नहीं करता है. इट डज नॉट अप्रोचेस वाई एक्सिस, नो अप्रोच टुवर्ड्स वाई एक्सिस. आप खुद ही देखिए, अगर आप जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे कॉन्सेंट्रेशन से तो ये जाहिर सी बात है ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करने पर कभी भी वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच नहीं करेगा. यानी कि अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालनी है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, उसको हेल्प करता है कोलरॉस लॉ, जो कि ये बताता है कि अगर आपको किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट अस फॉर एग्जांपल टेक हमें एसिटिक एसिड के लिए जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो पहली बात तो एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा एज एसिटेट आयन विद हाइड्रोजन आयन. ठीक है, अब इसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए, अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए मुझे चाहिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस द कंडक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन. तो इसका हम यूटिलाइज करेंगे यूजिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और टू डिफरेंट सॉल्ट.
फॉर एग्जाम्पल फॉर एसिटिक एसिड हम यूज कर सकते हैं CH3COONA, ठीक है। अब यही हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें चाहिए एक एसिटेट आयन और एक चाहिए हमें H प्लस आयन, यानी हम दो ऐसी इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जिसमें एसिटेट आयन भी हो, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और दूसरा हम ले लेते हैं HCl जिसमें H प्लस भी अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है ये डिसोसिएट होंगे, तो ये हमें देंगे एसिटेट आयन एंड सोडियम आयन। एंड अगर हम बात करते हैं HCl की तो वो देगा H प्लस और Cl माइनस आयन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का सम अप कर देंगे, HCl की अपनी कोई मोलर कंडक्टिविटी होगी, एसिटेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी होगी। अगर ये 1 है और ये 2 है तो मुझे लैम्डा नॉट 1 प्लस लैम्डा नॉट 2 अगर मैं कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन प्लस H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है, जो कि मेरी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो कहाँ है इसके लिए, यानी एसिटेट ये रहा और H प्लस ये रहा, ये डिजायर्ड है। एक्स्ट्रा चीज अब क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे, यूजिंग अ थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कौन हो जाएगा NaCl, जो डिसोसिएट होगा एज लैम्डा Na प्लस एंड लैम्डा Cl माइनस। लेट अस टेक लैम्डा M, ये 1 था 2 था, लेट अस टेक लैम्डा M नॉट 2 है इस तरीके से, दिस इज लैम्डा M 2 नॉट, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन यहाँ पे बनाई है ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन 2 से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 में हमारे पास है लैम्डा M नॉट 1 प्लस लैम्डा M नॉट 2 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस करना है, This is lambda M3, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस lambda 3 नॉट M, जिसमें कि हमारे पास है डिजायर्ड है एसिटेट और H प्लस, और साथ में है हमारे पास Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करके ही Na प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमें इतना मिल जाएगा। तो जो भी अब हमारे पास वैल्यूज होंगी किन के लिए, ऑब्वियसली हमारे पास NaCl का अपना मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगा, कुछ ना कुछ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और हमें एसिटेट सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट के लिए भी गिवन होगा और HCl के लिए भी गिवन होगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पर अभी ये इसके लिए X गिवन है, इसके लिए Y है, और इसके लिए हमें ये Z गिवन, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं X प्लस Y माइनस Z विल गिव अस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हम तीन अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करके, जिनके लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, ठीक है, ये NaCl, HCl और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इनके लिए लैम्डा नॉट की वैल्यूज हमें गिवन होंगी, लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज गिवन होंगी, इनका यूटिलाइज करके हम एक तीसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज वॉट एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये पहली एप्लीकेशन हो जाती है हमारे पास कोलरॉस लॉ की, जो हेल्प करती है हमें टू कैलकुलेट दी लिमिटिंग कंडक्टिविटीज ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आप सभी को समझ आ गया पॉइंट। तो इसको आप सम अप करके कैसे लिख सकते हैं कि अगर मुझे एसिटिक एसिड के लिए निकालना है, सो आई कैन सब्ट्रैक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस द कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस दैट ऑफ NaCl। सो इस तरीके से हम इसे सम अप करके लिख सकते, ठीक है। इन्यूमरस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, जिसमें कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा, ये हम बता सकते हैं यूजिंग कोलरॉस लॉ, ठीक है। अब ये कैसे, पहली बात तो ये है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या है, जो अल्फा है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट हो रही है CH3COO- और H+, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये फ्रैक्शंस में डिसोसिएट होगी, ठीक है, इट डिसोसिएट्स इन
फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स की कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा, और इसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, जिसको हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि अल्फा कुछ नहीं है, आपके जितने भी आयन्स डिसोसिएशन के बाद आपके बचे हैं और जितने आपके कंप्लीट डिसोसिएशन से होते हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल आयन्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोसिएशन, पार्शियल लिखेंगे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अपॉन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट थी, उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे को, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली उसका एक कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, और उस कंप्लीट डिसोसिएशन ना होने की वजह से उसमें एक पार्शियल डिसोसिएशन है, जिसकी वजह से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी फॉर्म हुए, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते हैं, और कुछ जो है आपके एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स होंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट होने चाहिए थे, उसी दोनों का रेशियो जो है आपको डिफाइन कर देता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी एक्चुअली में कितने आयनाइज होने चाहिए थे, कितने पार्ट आपके फॉर्म करने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज योर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, अ पॉइंट ये है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यूजिंग द कोलराज लॉ। सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी कंडक्टेंस जो है, जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। सो कंडक्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंडक्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन, जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो बराबर हो जाती है कंडक्टेंस के रेशियो से, यानी कि जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ आयन, जितने ज्यादा आयन्स डिसोसिएट होंगे, जितने ज्यादा आयन्स बनेंगे उतने ही ज्यादा आपकी कंडक्टेंस होगी, और वही चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यानी अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये हमारा आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एज वेल एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास आयन्स बढ़ेंगे जो डिसोसिएट हो रहे हैं, तभी आपके पास क्या इंक्रीज होगा, आपका अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कंडक्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, वो एसिटेट आयन बनाएगी, एच प्लस बनाएगी। ठीक है, अब इनिशियली जब टाइम जीरो है तो आपके पास एसिटिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, तो कुछ अमाउंट इक्विलिब्रियम तक पहुंचते ही आपकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की डिक्रीज हो जाएगी, और उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी एसिटेट की और एच प्लस आयन्स की बन जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम इसकी के की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे तो वो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, जो कि इक्विलिब्रियम लॉ से हम लिख सकते हैं, जो हमें क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन के एज वेल एज अल्फा। ठीक है, तो के ए क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, और क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम वन माइनस अल्फा लिख देंगे तो ये आपके पास के ए का रिलेशनशिप आ जाएगा विद अल्फा। ठीक है, अब अल्फा हमने अभी पीछे लिखा है, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें के ए की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट। तो यानी तीसरी एप्लीकेशन हम इससे ये भी जोड़ सकते हैं कि किसी भी एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। सो ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था वो अल्फा का था, कि अल्फा होता है हमारे पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, जो कि बहुत लो होता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वो बहुत फ्रैक्शन में डिसोसिएट हो रही होती है। तो जो भी कोई चेंज आता है लैम्डा एम में, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो लैम्डा एम में जो भी कोई चेंज आता है वो इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंक्रीज कर देता है। तो यानी ये हमने कहा कि लैम्डा एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, अल्फा की वैल्यू के। सो हमारे पास दो एप्लीकेशन आ गई हैं जिससे हमें अपनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और हमें अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जो समझ आ गया। तो कोलराज लॉ बेसिकली अगर हम सम अप करें तो कोलराज लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपको एक्सप्लेन करता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी निकालने का तरीका, स्पेसिफिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
खैर इसमें हमने ये देखा था कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से ये पता चला कि कोई भी काउंटर आयन जो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअली अपने आयन्स की कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिफरेंस सेम होने का मतलब यही है कि उस पॉइंट पर जाकर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना कॉन्सेंट्रेशन का है ना किसी भी टेम्परेचर के फैक्टर का है। तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबका सब किसकी वजह से है, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में ये देखा था कि जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कैटायन और अनायन की वजह से है। देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज नो इफेक्ट और एनी फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और द कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि उसमें दो एप्लीकेशन हमारी इंपॉर्टेंट। पहली है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा हमने देखा कि हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आल्सो कॉल्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और इसको ही यूज करके हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर एनी वीक एसिड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा सी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा एज सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट ब्रैकेट में ये आ जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। रीअरेंज करने पे हमें इस तरीके से रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमारे पास ये है जिसमें हमें लैम्डा एम नॉट निकालना है एक सोडियम आयोडाइड के लिए, गिवन है सोडियम आयोडाइड के लिए, सोडियम एसिटेट के लिए, मैग्नीशियम एसिटेट के लिए, विच इज रिस्पेक्टिवली गिवन एज थ्री वैल्यूज, और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए। सबसे पहले तो हमें सारे के सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको डिसोसिएट करके लिखना पड़ेगा, यानी उनके जो भी कोरस्पॉन्डिंग आयन्स है उन्हें लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इज व्हाट NaI, इसके लिए हमें लैम्डा एम की वैल्यू गिवन है, यानी लैम्डा एम नॉट फॉर NaI इज गिवन टू अस एज 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सिमिलरली लैम्डा एम नॉट हमें गिवन है सोडियम एसिटेट के लिए विच इज अगेन CH3COONa, दैट इज 9.10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा एम नॉट हमें गिवन है मैग्नीशियम एसिटेट के लिए। ठीक है, सो मैग्नीशियम एसिटेट अगर हम लिखेंगे दैट विल बी Mg so this will be CH3COO whole twice. This is how magnesium acetate is written. ठीक है, और इसके लिए हमें गिवन है as 18.78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, मैग्नीशियम एसिटेट विच इज एंड एम ये हमें गिवन है। अब हमें निकालना है मैग्नीशियम आयोडाइड के लिए, मैग्नीशियम आयोडाइड इज MgI2, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज लैम्डा एम नॉट विल बी रिप्रेजेंट एज लैम्डा एम ऑफ द आयन दैट इज Mg2+2 लैम्डा आई माइनस, क्योंकि जब हम डिसोसिएट करेंगे इसको तो हमें मिलेगा Mg2+ और यहाँ पे मिलेंगे दो आयोडीन के आयन्स, तो एक आयन का हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टू, तो दो आयन्स के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इन तीनों को यूटिलाइज करके कैसे हम इस तीसरी इक्वेशन चौथी इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो इनका डिसोसिएशन लिखेंगे जो बनेगा Na+ और I-, इधर बनेगा एसिटेट और Na+। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए मिलेगा CH3COO- दो आयन्स है और साथ में मिलेगा Mg2+। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो Mg2+ चाहिए और दो आयोडीन माइनस चाहिए। Mg2+ ये रहा और दो आयोडीन माइनस, यानी जो NaI वाली इक्वेशन है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा उसको थर्ड इक्वेशन से। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हम क्या करेंगे, एडिंग 1 and 3 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हमें मिल जाएगा 2
एन ए प्लस प्लस टू आयोडीन माइनस, साथ में हमारे पास इक्वेशन थ्री आज टू एसिटेट आयन एंड एम जी टू प्लस. ठीक है, जो चीज हम इक्वेशन के साथ करें वही चीज हमें इनकी कंडक्टिविटी के साथ भी करनी पड़ेगी, यानी कि दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.69 से, 2 मल्टीप्लाई 12.69 प्लस इक्वेशन 3 की जो कंडक्टिविटी थी दैट वाज 18.78. ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन जिसके अंदर हमें दिख रहा है Mg2 प्लस और 2 आयोडीन माइनस है, यानी इक्वेशन एज इट इज. अब एक्स्ट्रा जो हमारे पास टर्म्स है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास Na+ और एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास दो एसिटेट आयन. अब वो ढूंढते हैं कैसे आ सकते हैं, वो कैसे आएंगे जब आप इसको इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यानी कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इक्वेशन 2 के लिए वी हैव 9.10 माइनस 2 इंटू 9.10. ठीक है, सो आपको ये मिल जाएगा. अब इसमें माइनस करने हैं आयन्स कौन कौन से, दो Na+ के और दो ही एसिटेट आयन, कैंसिल आउट हो जाएगा ये सारी वैल्यूज, हमें सिर्फ मिल जाएगा 2i- प्लस Mg2+ जिसके लिए हमारे को वैल्यूज क्या है 18.78 प्लस 2 इंटू 12.6 माइनस 2.2 इंटू 9.10. ठीक है, ये तो 18.78 रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 253.8 माइनस 18.20 विच इज 44.16 माइनस 18.20, और सुप्रा करके आई विल गेट 25.96 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो ये जो वैल्यू आई किसके लिए आ गई है, ये आ गई है मेरे पास मैग्नीशियम के लिए. ये क्या है, ये है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा एम फॉर एम आई एम जी आई टू विच इज वॉट 2 आयोडीन माइनस प्लस विच इज लैम्डा फॉर आई माइनस प्लस लैम्डा फॉर एम जी टू प्लस, और इसको इंटू 2 करना है, इंटू 2 प्लस लैम्डा फॉर एम जी टू प्लस, जो कि हमें क्या मिला है एज 25.96 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मेन जो है आपको ये समझना है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो किन पर्टिकुलर के लिए गिवन है और वो कैसे डिसोसिएट होंगे. अगर आपने डिसोसिएशन करेक्ट वे में रिप्रेजेंट कर दी तो ऑब्वियसली आप एड सब्ट्रैक्ट तो आसानी से कर ही सकते हैं. ठीक है, प्लस इस न्यूमेरिकल में एक और चीज हमने देखी कि अगर आपके पास मोर देन वन आयन है, जैसे आयोडीन के यहाँ पे दो आयन्स थे, तो ऑब्वियसली एक आयन जो है आपको वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कुछ रिस्पेक्टिव कंडक्टिविटी, तो क्योंकि दो है तो हमने उसको यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये चीज आपको पेपर में भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी बैलेंसी है जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाय द कंडक्टिविटी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि इसी तरीके का है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम नॉट फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. सो लेट अस राइट कि लैम्डा एम नॉट CaCl2 के लिए क्या रिक्वायर्ड करेगा और MgSO4 के लिए क्या रिक्वायर करेगा. सो ये डिसोसिएट होंगे एज Ca2+ आयन और साथ में मिलेगा हमें लैम्डा फॉर Cl-, क्योंकि दो होंगे. अब CaCl2 डिसोसिएट होगा एज Ca2+ और 2Cl- आयन, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले. वहीं पे मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे तो Mg और साथ में SO4 2-, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट विल डिसोसिएट एज Mg2+ एंड SO4 2-. ठीक है, अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं. गिवन है Ca+ का आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन, Mg2+ का गिवन है, साथ में Cl का गिवन है और सल्फेट का, यानी कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ उन्हें ऐड कर दें. नाउ लेट अस प्रोसीड लैम्डा एम नॉट फॉर लैम्डा एम नॉट हमारे कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा, CaCl2 कैल्शियम के लिए 119.0 प्लस 2 इंटू Cl के लिए भी है 76.3. तो ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे और मिल जाएगी ये अराउंड 119 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 152.6, आंसर आ जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. यूनिट का प्लीज ध्यान रखिए, यूनिट के नंबर मिलते हैं आपको. CBSE का एग्जाम आप दे रहे हैं तो भी, जेई नीट का दे रहे हैं तो आपको वहां पे हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि लैम्डा एम है लैम्डा एम नॉट है, तो आप यूनिट से देख के बता सकते हैं कि वो क्या. ठीक है, तो ये तो निकाल दिया हमने कैल्शियम क्लोराइड के लिए, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी.
मैग्नीशियम के लिए द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 106.0, वहीं पे सल्फेट के लिए इट इज 160.05। तो ये आ गया इसका, अब सम अप कर देंगे। सो सम अप करके वी विल गेट 266.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनपुट। सिंपल था ये, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसमें ऐड करना था। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आयन है आपने उसको देख लिया कि वो कैसे डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करने के बाद हर इंडिविजुअल आयन का आपको गिवन था कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपने उसको सिर्फ एड अप कर दिया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच यू हैव गिवन द मोलर कंडक्टिविटी एंड दैट इज टू बी, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है हमें। अब देखिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ट्रिकी लगती है, अगर आपको स्टेटमेंट आप कंफ्यूज रहते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वन पॉइंट वैसे थे बहुत इजी इन्फॉर्मेशन, बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यूनिट देख लेते हैं। यूनिट किसकी है? यूनिट है ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी की, तो लैम्डा एम क्या जाएगा? लैम्डा एम लिख देंगे 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साथ में मोलैरिटी है, यानी ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन होगा। निकालना क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी क्या होती है, अब आ जाते हैं प्रीवियस लेक्चर पे। ठीक है, सो कंडक्टिविटी जो है वो कापा से रिप्रेजेंट की जाती है हमारी, और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप होता है कापा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है, तो यहाँ से सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन सब गिवन है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लैम्डा एम है 138.9 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1.5 अपॉन 1000, और हमें मिल जाएगी कंडक्टिविटी। ठीक है, सो कंडक्टिविटी सॉल्व करके कुछ अराउंड, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 138.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये मिलेगा 208.35 अपॉन 1000। सो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो आसानी से इट विल बी 0.208। ठीक है, अब सबको, अब यूनिट की इंपॉर्टेंस है। सपोज कीजिए यूनिट भूल चुके हैं, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस आपको याद है, डायमेंशनल एनालिसिस से आप जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी की, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी यूनिट आपको गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपने मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर, यानी मोल, मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स होता है मोल, वॉल्यूम होता है लीटर या फिर मिली लीटर। ठीक है, तो आपने ये यूनिट रख दिया मोल लीटर इनवर्स, और साथ में 1000 फैक्टर है उसका, कुछ नहीं होगा, तो मोल से मोल लीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लीटर इनवर्स आपको मिल गया है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या आएगी, ये हम निकाल रहे हैं कापा की यूनिट। अब यहाँ क्या है कि ये जो हमने लीटर लिखा है ये क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें भी हो सकती है हमारी, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है, विच इज 40 मिली लीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होकर आपको मिलेगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज द यूनिट फॉर कापा। तो यहाँ आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो 1000 का फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम जो है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब किसी भी यूनिट में वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल। आई होप आपको आज का वीडियो में सब चीजें समझ आई हो, जो भी समझ नहीं आती उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिए स्टूडेंट्स, ताकि आपके डाउट्स और क्वेरीज हम क्लैरिफाई कर सके। नाउ क्विकली जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन दिस टुडेज क्लास। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टिविटी, बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडी करना उसके लिए, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोलरॉस, जिन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एनालिसिस देखा था, और एनालिसिस देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि जब हम इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे चले जाते हैं तो इरिस्पेक्टिव हो जाता है, यानी जो भी कंडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयन की वजह से है, कॉन्सेंट्रेशन का या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जिसको डिफाइन किया गया एज कोलरॉस लॉ, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ आयन्स के लिए हमने बताया, जो हमें बताता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द माइग्रेशन ऑफ आयन्स दैट मींस द मूवमेंट ऑफ आयन्स द डिसोसिएशन ऑफ आयन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमने स्टार्ट किया था कि एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कॉरेस्पॉन्डिंग या काउंटर आयन्स के से मोलर कंडक्टिविटी का एल्जेब्रिक सम जो है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कि हमने उसकी स्टेटमेंट देखी थी, स्टेटमेंट के बाद हमने उसकी एप्लीकेशन स्टडी करी थी कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्फिनिट डाइल्यूशन की वैल्यू एक्सट्रापोलेट करने पर ग्राफ को नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम और कॉरेस्पॉन्डिंग या और सपोर्टिंग आयन्स को यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बेसिकली रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स और द फ्रैक्शन ऑफ आयन्स दैट आर फॉर्मड
आफ्टर द डिसोसिएशन और आफ्टर द आयनाइजेशन, जिसको हमने ये कहा कि एक तो फ्रैक्शन होता है जो पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रेट कि वो किस स्पीड से डिसोसिएट हो, और एक होते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट मस्ट बी डिसोसिएटेड. तो वो जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल है वही लैम्डा एम नॉट है, और जो हो रहे हैं एक्चुअली में दैट इज द लैम्डा एम. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा. कुछ नहीं, सिंपल हमने जो इक्विलिब्रियम लॉ से स्टडी किया हुआ है व्हाट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, उसी फॉर्मुले में हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे इस तरीके से. ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई हो, आपको सारी क्वेरीज जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो गए हो. बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए बच्चे, ताकि हम आपके क्वेरीज और डाउट्स 100% क्लियर कर सकें. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, और अगली वीडियो के लिए प्लीज बने रहिए.